जी हाँ, आप देख रहे हैं ऑक्टेक VFX। आज की टॉपिक है हमारी AI पे, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलते हैं। ओके, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको अडोबी फायरफ्लाई का यूज करके आप कैसे 3D इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं और चलते हैं। सर्च करिए अडोबी फायरफ्लाई, अडोबी फायरफ्लाई मैंने सर्च करके रखा है, तो अडोबी फायरफ्लाई। ठीक है, एंटर करिए और जो पहली वेबसाइट आ रही है उसको आप इसका लिंक ओपन कर लीजिए। ये बहुत एक अच्छा और बेहतरीन टूल्स है अडोबी फायरफ्लाई का। देखिए, इसमें इस तरह की जनरेट फाइल हो सकती हैं, टेक्स्ट इफेक्ट हो सकते हैं, टेक्स्ट इमेज हो सकता है, या किसी इमेज को आपको चाहिए तो उस टाइप का इमेज आपको मिल जाएगा। तो हम यूज करते हैं, आपको काफ़ी तमाम तरह मिले, जनरेट कॉलर मिलेंगे, रिकलर 3D इमेज को अगर आप टेक्चर ऐड करना चाहते हैं तो उस पर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और करते हैं कि आप लोगों के लिए, मैं पहले इस पर ट्राई करता हूँ कि टेक्स्ट इफेक्ट होता क्या है, मैं बताता हूँ। आप यहाँ से न्यू ओपन लिंक कर लीजिए और इसके साथ आप लोग चलिए टेक्स्ट लेयर में आ गया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए सुबह चल रहा। देखिए, अगर आप जैसे ही अडोबी फायरफ्लाई पे आते हैं तो इस तरह के आपको तमाम तरह के टेक्स्ट मिल जाएंगे। आई सपोज दैट मैं इसमें आने वाला है, वो क्या बोलते हैं, विंटर का मौसम है, तो मैं इस समय इसको यूज करता हूँ, चाहे ये भी यूज कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, देखिए इस तरह का इंटरफेस खुला। ओके, फायरफ्लाई, तो इसमें आप चाहें तो कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, या अपने नाम का भी बना सकते हैं, या एनी बॉडी कुछ भी कर सकते हैं आप। तो इसमें जैसे मैं लिखता हूँ ऑक्टेक VFX। ठीक है, तो VFX अब यहाँ से जनरेट कर देते होंगे। यहाँ से क्या करें, जनरेट। देख रहे हैं चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू नहीं तो तुरंत बन के आ जाता। देखिए ऑक्टेक VFX, इसमें आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, उसके जो एनिमेशन जो उस पर फ्लो गिराया गया है, ग्लू, वो सब चेंज हो सकता है, इस टाइप का ला सकते हैं या इस टाइप का ला सकते हैं। अब यहाँ से आप और भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तमाम तरह के आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट आपको चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जिस स्टार्टिंग में जब बनाएंगे तभी चेंज होगा, जब इसे फॉन्ट ये ले लीजिए, इस पर स्टार्टिंग में काम करिए, आपको हो जाएगा। बैकग्राउंड का कलर आपको नो कलर करना है, वाइट कर दीजिए कलर इसका, वाइट कलर करके जनरेट कर दीजिए, फॉन्ट वाइट कलर सेलेक्ट करके जनरेट करेंगे, फॉन्ट भी चेंज होगा, वही सब कुछ चेंज हो सकता है। ओके, बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है सर, AI है इसका नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो कि जल्दी अपडेट हुआ है। थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या, देख रहे हैं कैसा बन गया, मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया था ऐसा बन गया, फॉन्ट चेंज किया, फॉन्ट चेंज हो गया, बैकग्राउंड वाइट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से तमाम तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से चलता हूँ बैक फायरफ्लाई, मतलब इसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जिस तरह का दिया है उसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ओके, मैं बैक आता हूँ इस पर।
मैं चाहता हूँ 3D एनवायरनमेंट चाहिए, मेरे को 3D कुछ लुक चाहिए, ज़्यादातर यही यूज होता है 3D। तो मैं यहाँ पे क्रिएट विद फाइल फायरफ्लाई न्यू लिंक ओपन करता हूँ और इस पर चलता हूँ, जिसमें कि ये फाइल ओपन हो रही है। देखिए इस तरह का ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो ना, सब AI के जरिए ही बना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इसमें देखिए कई टाइप्स के आपको 3D एनवायरनमेंट मिल जाएंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज भी करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं। आई सपोज मैं इसको अगर डाउनलोड करना तो कैसे करूँगा, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे गए, यहाँ पे डाउनलोड कर लिए, कंटिन्यू कर लीजिए, डाउनलोड हो जाएगा ये इमेज। ओके, डाउनलोड हो गया। आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो कितना बेहतरीन, कितना प्यारा क्लाउड से देख रहे हैं, अमेजिंग यार, क्या तेज तराक चीज है, गजब। अब हम चाहते हैं न्यू वर्ल्ड अब इन साइड, तो आप यहाँ पे वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो वर्ल्ड के, मतलब सपोज दैट मैं लिख दिया कंट्री CONTRY कंट्री लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे जनरेट करके क्या आता है। देखिए आ गया, ठीक है। तो मैं ड्रॉप शैडो, ड्रॉप को मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको लिख दो AR IVER। अब यहाँ से जनरेट कर रहे, देखते हैं क्या देता है। ओके, देखिए इसका ड्रॉप शैडो बना दिया 3D का, रिवर। ओके, एज ए वाटर कितना लग रहा है कि मतलब ओरिजिनल है, ओनली ओरिजिनल। तो आप इस तरह इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो पेंटिंग आर्ट में चाहिए आप तो आर्ट में भी ले सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें नहीं पसंद आ रहा तो इसमें फिर जनरेट कर देंगे, फिर वो चेंज करके देगा आपको, तो इसमें से आप पसंद कर सकते हो। ओके, देख रहे हैं रिवर में ड्रॉ, मतलब पेंटिंग आर्ट है, आर्ट में पेंटिंग होता है, तो पेंटिंग के थ्रू अकॉर्डिंग बना के दिया है आपको। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।